दक्षिण दिल्ली की ग्रेटर कैलाश टू में एक वृद्धाश्रम में रविवार सुबह आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। अंतरा केयर फॉर सीनियर्स वृद्धाश्रम में भीषण आग लगी। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दो लोग जलकर राख हो चुके थे। दोनों मृतक महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह 5:14 पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। पुलिस और दमकल विभाग ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया है।